हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन रिट्रीवर्स फॉर फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स। गोल्डन रिट्रीवर जिसको लैब्राडोर का कजन भी कहा जाता है, इस डॉग ब्रीड को फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स इजीली रख सकते हैं या नहीं, सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ। गोल्डन रिट्रीवर दुनिया के मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड्स में से एक हैं। इनका ओरिजिन स्कॉटलैंड से है और ये ओरिजिनली हंटिंग डॉग्स थे, स्पेशली फॉर रिट्रीविंग गेम फ्रॉम वाटर एंड लैंड। मोस्टली इनको हंटिंग के लिए यूज किया जाता था। जब लोग बर्ड्स को हंट करते थे तो गोल्डन रिट्रीवर उन बर्ड्स को अपने ओनर के पास लेके आते थे। आज ये डॉग फैमिली में रखने के लिए और असिस्टेंट डॉग्स के तौर पर बहुत पॉपुलर है। गोल्डन रिट्रीवर अपनी फ्रेंडली, लॉयल और इंटेलिजेंट नेचर के लिए जाने जाते हैं। बात करते हैं इनके टेम्परमेंट और पर्सनैलिटी के बारे में। गोल्डन रिट्रीवर्स का टेम्परमेंट और पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा फ्रेंडली, जेंटल और पेशेंट होता है। गोल्डन रिट्रीवर को लोगों और दूसरे एनिमल्स के साथ रहना बहुत पसंद होता है। ये जनरली काम और बैलेंस टेम्परमेंट के होते हैं जो इन्हें एक परफेक्ट फैमिली पेट बनाता है, स्पेशली फॉर फैमिलीज एंड चिल्ड्रंस। अब बात करते हैं इस डॉग की एक्सरसाइज और एक्टिविटी नीड्स की। गोल्डन रिट्रीवर्स हाई एनर्जी डॉग्स होते हैं जिनको डेली एक्सरसाइज की जरूरत होती है। रोजाना वॉक, प्ले टाइम और स्विमिंग इन्हें फिट और हैप्पी रखता है। इन्हें मेंटली और फिजिकल एंगेज रखना जरूरी है ताकि ये बोर्ड ना हो और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ना शो करें, जो कि बहुत रेयर होता है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन की। गोल्डन रिट्रीवर्स इंटेलिजेंट और ईगर टू प्लीज होते हैं जो इन्हें इजिली ट्रेनेबल बनाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मेथड बहुत अच्छे से काम करते हैं। अर्ली सोशलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है ताकि ये वेल बिहेव रहें और कॉन्फिडेंट डॉग बने जब ये एक एडल्ट डॉग बन जाए। बात करें इस डॉग की हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में। गोल्डन रिट्रीवर्स जनरली हेल्दी ब्रीड है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं गोल्डन रिट्रीवर्स को और हिप डिस्प्लासिया कॉमन डिजीज है इनके अंदर। बात करें इस हैवी कोट के डॉग ब्रीड के डाइट की, तो इनको बैलेंस डाइट और रेगुलर वेट चेकअप्स बहुत जरूरी होते हैं। गोल्डन रिट्रीवर्स को ओवरफीडिंग से बचाएं क्योंकि ये इजीली ओवरवेट हो सकते हैं, सेम लाइक लैब्राडोर्स। हाई क्वालिटी डॉग फूड जो इनके साइज, एज और एक्टिविटी लेवल के हिसाब से हो, बहुत फिट बैठेगा इनके लिए। अब बात करते हैं ग्रूमिंग की। गोल्डन रिट्रीवर के केस में ग्रूमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस डॉग का कोट लॉन्ग और डेंस होता है जो इन्हें रेगुलर ग्रूमिंग की जरूरत देता है। इनके कोट रेगुलरली ब्रश करें ताकि डेड हेयर निकल जाए और कोट शाइनी रहे। नेल्स ट्रिम करना और एयर क्लीन रखना भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्योंकि इन्हें एयर इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करें इनके स्पेस और लिविंग कंडीशन की। गोल्डन रिट्रीवर्स अडेप्टेबल होते हैं, लेकिन इन्हें सफिशियंट स्पेस और एक्टिविटी चाहिए। अगर आपके पास बहुत अच्छा स्पेस है या आप बहुत बड़ी जगह पे रहते हो तो इनके लिए परफेक्ट है। अपार्टमेंट लिविंग भी इनके लिए पॉसिबल है। बस इंश्योर करें कि आप डेली एक्सरसाइज और वॉक्स करा के रखें तो डॉग आपका छोटी जगह पे भी रह सकता है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इस डॉग के प्राइस की। सो प्राइस डिपेंड करता है ब्रीडर्स के ऊपर कि आप किस टाइप के ब्रीडर से ले रहे हो। अगर बेसिक और लोकल ब्रीडर से लोगे तो गोल्डन रिट्रीवर आपको 15,000 से 25,000 तक इजीली मिल जाएगा। अगर एक मिड रेंज ब्रीडर है तो वो आपको देगा अराउंड 30,000 से 50,000 तक, और एक हाई एंड ब्रीडर के पास जाओगे तो वो आपको देगा अराउंड 60,000 से 1,00,000 रुपीज तक। सो गाइस एक चीज याद रखना, कभी भी किसी भी ब्रीडर से आप लो, हमेशा उसको ये कहना कि भाई हमें एडिशनल कॉस्ट इसके अंदर ही पूरी करके दो। एडिशनल कॉस्ट का मतलब है कि आपने ब्रीडर को कहना है कि हमें डॉग की वैक्सीनेशन करा के दो, डिवॉर्मिंग करा के दो और इसकी बेसिक सप्लाईज भी इसके साथ ही दो, लाइक लीश, कॉलर, बाउल्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जब आप ब्रीडर को बोलोगे तो वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। ये बात आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एडिशनल कॉस्ट है जो कि डॉग लेने के बाद आपके ऊपर आ सकती है। अगर आप वैक्सीनेशन कराते हो तो उसका एक्सपेंस आपको आएगा 2000 से 5000 तक, डिवॉर्मिंग आएगी आपको 500 से 1000 तक, और बेसिक सप्लाईज के प्राइस वेरी करते हैं कि आप कौन सी लीश और कौन सी कॉलर अपने डॉग के लिए लेते हो। सो गाइज ये चीज़ें आपने ब्रीडर के ऊपर डालनी है, अपने ऊपर नहीं डालनी, ताकि आपके बजट के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाए। सो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।